नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पूज्य माताजी एवं पूज्य पिताजी की स्मृति में पिछले साल से प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पुदने विधानसभा में हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार टूर्नामेंट में 4000 से अधिक युवाओं एवं 200 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। माताजी और पिताजी की स्मृति में, मेरे माताजी पिताजी की स्मृति में पिछले साल से कार्तिकेय ने ही प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का अभियान बुधनी विधानसभा का प्रारंभ किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्याओं में 4000 से ज़्यादा हमारे बच्चों ने, युवाओं ने इसमें भाग लिया। 200 से ज़्यादा टीम इस टूर्नामेंट में आई। कौन जीता कौन हारा वो गौड़ है, लेकिन लगभग एक महीने तक पूरे क्षेत्र में खेल के आयोजन से आनंद का वातावरण बना रहा और एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा हमारे बच्चों को क्षेत्र के मिली कि खेल के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें, प्रतिभाएं ढूंढ के और वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका प्रयास आगे भी लगातार किया जाएगा। मैं सभी साथी जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया, बेटे विशेषकर, क्योंकि बच्चे ही खेले थे, उनको प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। बुधनी जीती, भैरुंडाबुल दूसरे नंबर पर रही, सभी टीम जिन्हें बेहतर प्रदर्शन किया और जो खेले उन सभी को बहुत बहुत बधाई। एक नई खेल संस्कृति का विकास मध्य प्रदेश में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसके पहले खेलों का वातावरण यहाँ बना है। सभी इस आयोजन में भाग लेने वाले, इस आयोजन को सफल करने वाले हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, खिलाड़ी, अंपायर, टेक्निकल टीम, व्यवस्था में लगे जिला प्रशासन, हमारे सफाई कर्मी, जो जो साथी इस आयोजन में लगे हैं, उनको इस सफल आयोजन के लिए बधाई। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।